थोड़ा इजी हो जाता है फील्डिंग करना, लेकिन कोई टीम संजय भाई हम बात कर रहे थे कि इस गर्मी को कैसे झेल पाएंगे ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन तो बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, अपने बैट्समैन देखिए, अपने बैट्समैन की हालत देखिए इस गर्मी में। तापमान सर अगर मैं बताऊं ना आपको, मैं कल यहाँ के कैप्टन डेविड ब्लूम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर गर्मियों में हमारे भी इतने डिग्री सेंटीग्रेड का ही तापमान पड़ता है और इवन स्ट्रांग गर्मी पड़ती है, इससे ज्यादा मजबूत गर्मी वहां पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, ये लोग इस क्लाइमेट के बहुत फैमिलियर हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग 60 से 70 ओवर्स के मैच खेलते हैं। मैंने इनसे बात किया था कल, डिवीजन मैच खेलते हैं और उन लोगों का एक सिस्टम है सर, उनके जितने भी क्लब्स के प्लेयर होते हैं उनका सबका स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर बोर्ड तक जाता है। तो सिलेक्शन का क्रिटेरिया हमारे यहाँ रणजी है, कुछ छोटे मैचेस हैं, फिर सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, इनका ऐसा नहीं होता है। सारे स्कोर्स जितने भी नेशनल कप के स्कोर्स हैं वो सारे रिकॉर्ड होके ऑस्ट्रेलियन बोर्ड तक जाते हैं और वहीं से सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरीके से होता है। सो मैंने इनसे बड़े अच्छे से बात की थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, इवन विद द बॉलिंग, इवन विद द बैटिंग, एंड दे आर वेरी गुड विद द फील्डिंग ऑल्सो। देयर फिजिकल स्ट्रेंथ आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड विद देयर फिटनेस लेवल। यू कैन सी द प्लेयर्स, दे कैन रन फास्ट, they'll have you know good technique about catching also, they know how to catch। आपने देखा होगा कि जो ऊपर की कैच पहले पकड़ते थे वो लोअर डाउन लेके पाम को लोअर डाउन लिया जाता था और पकड़ा जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक टेक्निक इजाद की कि बॉल को ऊपर ही पकड़ा जाए, हायर, इस तरीके से आप करेंगे वो कैच अच्छे पाम में आते, छुटने के चांसेस कम होते। तो ऑस्ट्रेलिया ने इजाद किया था। इवन आप सीम बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही सीम बॉलिंग देखने को मिलती है। तो ये सब लोग जो है वो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतनी कामयाबी हासिल की और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास आज है। बहुत ही अच्छी बात बताई संजय भाई ने और दर्शकों को भी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह से चलता है। और ये बातें जो चल रही थी यहाँ पर कि इस गर्मी में कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन संजय भाई ने बताया कि इनके वहां गर्मी पड़ती है और जब पड़ती है अपनी से भी तेज पड़ती है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे संजय भाई विश्वास है कि जैसे जैसे ये इनके मैच आगे बढ़ते जाएंगे ये थोड़ा स्टार्टिंग से बाद में परफॉर्म अच्छा करते जाएंगे। सामने मारा अनिल बनीवाल ने, लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई, एक और रन। मिली थे सामने, फिर अच्छी गेंद उसे सामने मारने की कोशिश, कामयाबी भी मिली, एक और रन विनित के स्कोर में बढ़ता हुआ। और आपने संजय भाई प्लान की, सॉरी बात की प्लानिंग की, तो प्लानिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही तगड़ी रही है और इसका एक उदाहरण इन्होंने अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है अपने इंडिया में उसमें पेश भी किया, जिस तरह से प्लानिंग की इन्होंने स्लो बाउंसर की उस विकेट पर, बहुत मुश्किल था। सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन भी इतने जबरदस्त स्लो में होने के बावजूद उनकी फेवरेट गेंदबाजी और फेवरेट शॉट, लेकिन वो पेस नहीं मिल रही थी और वो प्लानिंग शानदार रही, क्या कहेंगे उसके बारे में।
फाइनल्स में हेड को ऊपर लेके आए, ट्रेविस हेड को। और जनरली अगर आप ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड देखेंगे तो टेस्ट मैचेस का प्लेयर वो शुरुआत की थी उसने एज ए टेक्निक, तो उसको उनको पता था कि स्पिन को अच्छा खेलता है और बहुत सालों से स्पिन को खेलता रहा है, तो क्यों ना इसको ऊपर भेजा जाए। उसको कहा कि चला के खेलो। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग कप्तान के द्वारा। तो एक तरफा मैच कर दिया हेड ने, एक तरफा। बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से कहां बॉल फेंके। और मैं बताऊं पूरे टूर्नामेंट में हमारा बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रॉन्ग था, सीम स्विंग स्पिन सब कुछ था, लेकिन स्ट्रेटेजिकली मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग। इवन आपने देखा होगा स्लेजिंग में कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब ये खेल से नहीं दबा पाते हैं तो शब्दों से दबाते हैं। तो ये सब देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन से। और आप देखेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना, ये प्लेयर्स को देख रहे हैं, ये जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आप देखोगे ये प्लेयर्स को वॉच कर रहे हैं, इनको पता है इसमें चारों टीमें खेलेंगी, ये बिल्कुल श्योर है इस चीज को लेके। और अभी ये देख रहे हैं किस बॉलर को कहां लगाया जाए, पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, सब कुछ ये बिल्कुल इजिली वॉच कर रहे हैं। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कमिंग मैचेस सर। बिल्कुल सही संजय भाई, प्लान ये जरूर करेंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट निकलेगा सेमीफाइनल के लिए। अच्छी गेंद, उसे ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग, एक और रन मिलता हुआ विनीत को। एक 135 रन हो चुके हैं। अच्छा ड्राइव अनिल का, गेंद फिर लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग, एक और रन। 50 रन अनिल के, 50 में क्या हुआ कल को, 136 जी क्या बता रहे थे, बता रहे थे यार। स्लोग स्लोग सूट की तरह मारना चाह रहे थे, एक रन और मिला विनीत को। मैं कहता हूं भाई आपको एक और बात बता दूं, अगर हम इनके साथ 50-70 ओवर का मैच खेले ना, हम इनको कहीं से भी कंप्लीट ना कर पाए। मैं बिल्कुल आपको ये बिल्कुल टेक्निकल बात बता रहा हूं। इट्स टाइम टू कैच, बट अगेन यस, सो मिस्टर पापलन, व्हाट आई एम सेइंग इज दे पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल टू प्ले 50 टू 70 आवर्स गेम, एंड आई मस्ट से दैट दे पीपल आर वेरी फिजिकली वेरी फिट, सो इफ वी कम्स टू दैट यू नो नंबर ऑफ ओवर्स क्रिकेट, देन डेफिनेटली दे विल हैव एन एज, एक्स्ट्रा एज ओवर अस। बिल्कुल संजय भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ज्यादा ओवर के मैच में और अच्छा कंफर्टेबल फील करती है ऑस्ट्रेलियन टीम। थके थके लग रहे हैं अनिल बनवा, लेकिन हिम्मत रखनी है, उन्होंने शो करना है। और चौंदा शॉट, बहुत ही शानदार हिट अनिल बनीवाल की तरफ से। You can see from the last 2 or 3 overs, the run rate has gone down. Again, it's time to, oh my god, again 4 runs. It's all known for their fielding efforts, but you know, just because of this pressure, I think they are not able to get the ball. But I must say that it's quite hot over there. Maybe just because of this humidity, this temperature, they're not able to get the things done.
good shot. In the beginning, both batsmen gave their chances, but Australia didn't catch up these chances. Ball again. Australia need to, you know, just bowl their extra runs also. I think extra just count about 20 to 30 runs, and it's been. Again. One more drop. You know, there is a very famous saying, catches wins matches. Again. Both the batsmen are scoring runs like raining. I'm not saying scoring runs, I'm saying raining runs. Again. Score batai rahe. 165. After 13 overs, 165 runs on the board. It's raining runs. Yes. It's raining boundaries, yes sir. Come on, Maran. Come on, you can do this. Come on, Maran. It is just a matter of one wicket only. Come on, you can do this. कंडीशन के हिसाब से हर तरह के प्लेयर और उसी हिसाब से खेलते हैं.
ने लगाया, तीसरा छक्का उनकी पारी का। पानी दे क्या भाई, पानी रुक जाने। वाइड गेम, अरंजीत बनीवाल के गुरु आ चुके हैं भाई। एक और वाइड, उमेद बेनीवाल, इनके बड़े भाई आ चुके हैं, इनसे ही क्रिकेट सीखी है इन्होंने। लगातार दो अच्छी गेंद, 100 करने 100। फिर थोड़ा डिजाइन गेंदबाजी, एक और वाइड, तीसरी वाइड इस ओवर की। और मैं बात कर रहा था अनिल बनीवाल की कि उन्होंने कहां से क्रिकेट सीखा है, अमित बनीवाल से, ये लोगराज से हिल गए। लातों के बाद बातों को नहीं मानते, वो बात है, इन्होंने समझाया इनको। अच्छी गेंद, बढ़िया बैटिंग है इनकी। और ये यहां थोड़ा बचना होगा, और ये थोड़ी थोड़ा टाइम है, थोड़ा दौर है अनिल के लिए, इससे थोड़ा और गुजर जाएंगे, निकाल लेंगे टाइम, तो जरूर 100 करेंगे इस टूर्नामेंट का, पहला 100 शतक हो जाएगा वो। साथ जो बैट्समैन है जरूर उनको हेल्प मिलेगी उनसे।
राइट लेग थोड़ा गेंद की लाइन से हटाया और गेंद को सीधा उठा के मार दिया 6 रन के लिए। ये खासियत है स्काई वॉक्स टीम की, जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर है, बेहतरीन इतर इस टीम के पास। एक और वाइड वेल लेफ्ट, क्या बात है। ये सब काम तो जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब होगा, तब मनमरे हमें करना पड़ेगा। यहाँ की विकेट पे तो हम ले रहे हैं मजे इनके। एक और बैट, बहुत ही खराब गेंदबाजी इस ओवर में। मैं तो एक और वाइड, मैं भी भूल गया कि बॉल में कितनी वाइड हो गई, इतनी वाइड हो चुकी है। एक और छक्का, इस बार मैच का ऊपर से बहुत ही बढ़िया, शाबाश अनिल भाई साहब, ऐसे ही। एक और रन अनिल के स्कोर में जुड़ता हुआ, इसको थोड़ा देख के खेलना, ये हमारी पार्टी खराब कर सकता है। इनका इलाज जो कर देंगे संजय भाई, शानदार बैटिंग, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है संजय इस टीम में। संजय, अभिषेक और बलिंदर टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग टीमिंग बैट्समैन। बच के एक और रन, निर्भाग बच के, थोड़ा थोड़ी देर की बात है। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ फॉर फील्ड हुई। एक और रन संजय के स्कोर में, स्काई ऑफ के स्कोर में। स्पार्क और ये दूसरा झटका लगता है, जबरदस्त इनिंग खेल कर आउट हुए हैं, लेकिन एक मिला जाएगा हमें
इतने बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच और ये क्रेडिट मैच लंग नहीं बनता है। आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी तो कलकत्ता की तरफ से जो मैकलम ने इनिंग खेले थे उसी के तरफ पे चल रहे थे, लेकिन फिर भी शानदार पारी, तालियां बजाकर हौसला अफजल करें बनिए इस पारी का। नए बैट्समैन बलिंदर थोड़ा रुक के आया गेंद, अगला बैट करा रहा है कौन यो ना जाता। अच्छा बहुत बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं बलिंदर भी, देखते हैं किस तरह की शुरुआत करते हैं इस टूर्नामेंट में अपनी। टीम ऐसी पोजीशन में है कि थोड़ा टाइम भी ले सकती है। बहुत ही जबरदस्त पारी खेल के आमिर बनिवाल, और मैं अभी बात करूंगा अपने कोच से कि वाइड गेंद डिजाइन गेंदबाजी, मैं बात कर रहा था अनिल बनिवाल की पारी की, और अब मैं बात करूंगा उनके कोच से क्या बता के भेजा था आज मैच से पहले, क्या कुछ प्लानिंग की थी अनिल के लिए आपने इस टूर्नामेंट में। मैं धन्यवाद करता हूं कोच साहब का, कोई प्लानिंग नहीं थी, वैसे अनिल का पता है कैसे खेलता है, ऑस्ट्रेलियन टीम को शायद अंदाजा नहीं था ये बचपन से ही ऐसा खेलता है, 8-10 साल का था जब से मेरे साथ ये रहा है, मेरे सानिध्य में खेला है, हमेशा से ही रवैया इनका आक्रामक रहा है। तो जोरदार अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं सपोल से और लेग बाय करण, तो उमेश बनिवाल जी ने बताया कि किस तरह से अनिल का क्रिकेट करियर शुरू हुआ, तो कहां पहली बार कैसे मिले थे अनिल को, कैसे पहचाना आपने कि इनमें ये टैलेंट है कि वो आगे जाके ऐसा नाम रोशन कर सकते हैं बनिवाल फैमिली का। से गांव के स्कूल में ही मिले थे हम, ये बच्चा था वैसे खेलते हुए आ गए, इसने थोड़ों की बॉल और बैट लेके घूमने लगा बिल्कुल, उसके बाद इसने दो शॉट लगाए और तभी मैंने इसको पहचान लिया, ये आने वाले समय में इस हार को अच्छी क्रिकेट दे सकता लड़का। बहुत ही बढ़िया बात बताई है उमेश जी ने कि वैसे घूमने आया था और इन्होंने गेंद उठा के फेंकी और उसके बाद जब अगली गेम सॉरी उसके बाद करेंगे बात। अच्छा शॉट बलिंदर का, थोड़ा विकेट जैसे जैसे टाइम बहुत रहा मुझे लग रहा थोड़ा स्लो तो और बहुत मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए जब वो बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि 3-4 बेहतरीन स्पिनर इस टीम के पास और सबसे बड़ा नाम तिवारी
अगली गेंद मौका है लेकिन कैच ड्रॉप। तो उमेश जी अब मैं बात करूंगा तिवारी की बॉलिंग के बारे में कि वो किस तरह का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में कर सकते हैं और जैसे जैसे विकेट स्पिन फ्रेंडली होती जा रही है बहुत ही खतरनाक होते जाएंगे वो, क्या कहेंगे तिवारी की बॉलिंग के बारे में, ऑस्ट्रेलियन को क्या प्लान करना चाहिए उनके सामने? पिछले हिसाब से तिवारी की बॉलिंग चल रही है, थोड़ा हल्का तेज भी डालते हैं बीच में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और जैसे जैसे थोड़ा वेदर चेंज होगा अच्छी ग्रिप के साथ बॉलिंग करते हैं, बीच में स्लोअर डालते हैं और एकदम से जो स्किट बॉल डालते हैं ना वो काफी खतरनाक डालता है तिवारी। तो ऑस्ट्रेलियन टीम को यही कहना चाहूंगा अगर तिवारी से बचना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये रेगुलर विकेट टेकर है, लगातार विकेट लेता है। बताया उमेश जी ने तिवारी की बॉलिंग के बारे में कि उनकी जो स्ट्रोक बॉल है वो तेज अंदर आर्मर गेंद आती है, वो बहुत ही खतरनाक गेंद है और बढ़िया शुरुआत की है संजय भाई ने इस टूर्नामेंट की में अपनी बैटिंग से, दो बेहतरीन छक्के लगाए हैं बिल्कुल सीधे बल्ले से, कोई रिस्क नहीं सामने और ये गेंदबाज ये दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को एक दो विकेट। उठा के मारा गेंद, अच्छी फील्डिंग है, लॉन्ग आर्म से भागकर आया मिड विकेट की तरफ, बढ़िया फील्डिंग। तो मैं भाई हम बात कर रहे थे अनिल बेनीवाल की कि वो स्कूल में आए और मैच चल रहा था तो उन्होंने दो चार गेंदें खेली, उसके बाद करेंगे बात। बलिंदर का पहला छक्का शानदार स्पिन के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। तो मुझे सुनने में आया था कि गढ़वालों ने मना कर दिया था कि अनिल को क्रिकेट नहीं खेलना, तो उसके बाद आपने कोशिश की और उन्होंने कहीं एकेडमी या आपने ज्वाइन करवाई या वैसे अपने खेतों में उनको क्रिकेट सिखाया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बिल्कुल सही सुना कोच साहब, अनिल के जो पापा है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, वे इनको एथलीट बनाना चाहते थे, इन्होंने ना कोई कोचिंग ली, हरामी बॉल फील्डर बॉल देने से और कैच ड्रॉप, अकादमी में कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, उन्होंने गांव के क्रिकेट से सीखते हुए लड़का आगे निकला है, आसपास के गांव में बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते खेलते आज देखो कहां पहुंच गए, आज ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ स्काई होप्स के सुपर टीम में और वो आज अपने खेल रहा है बहुत ही बढ़िया। और शानदार इनिंग भी खेली है 90 रन की, बहुत ही बढ़िया मनोरंजन किया दर्शकों का अनिल ने और विनीत ने, दोनों ही खतरनाक बैट्समैन है। अगली गेंद स्पार्क बलिंदर को, बढ़िया गेंद उसे स्वीप करने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी की है स्पार्क ने, काफी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगली गेंद स्पार्क बलिंदर को, फिर उससे आगे निकलकर फुल टॉस बनाकर मारने की कोशिश, ठीक से टाइम नहीं कर पाए बलिंदर, 1 रन मिला और ये स्पार्क का स्पेल खत्म होता हुआ। टीम का स्कोर बताएं। अभिषेक है
टूर्नामेंट का दूसरा मैच कल सुबह 8 बजे खेला जाएगा। मेवरिक्स टीम के साथ अपने दूसरे मैच के लिए उतरेगी स्काईहॉक्स टीम। बड़ा अच्छा मुकाबला होगा सुबह 8 बजे, और कल शाम को फिर ऑस्ट्रेलियन टीम खेलेगी बिजनेसमैन इलेवन के साथ। फिर से खेलना चाह रहे थे फाइनल पर, लेकिन वो पेस नहीं थी गेम में, और मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है बोलिंग को। सार में आराम से हिट करते हैं ये बड़े बड़े छक्के, अभी जरूरत नहीं है ये शॉट दिखाने की, बाद में आएंगे इनके साथ मैच। उठा के मारा है फील्डर गेंद के नीचे, तीसरा विकेट गिरता है, अच्छे से समझेगी सबको और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। इस मैच में नहीं खेल रहा राज पुनिया, वो भी पिछले 1.5 साल से स्काईहॉक्स टीम के लिए बड़ी अच्छी अच्छी पारियां खेली उन्होंने। 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं वो इस टूर्नामेंट में। देखते हैं कि कप्तान किस तरह से सेटल करते हैं उन्हें और कहां खिलाते हैं। कुलदीप पहली गेंद खेलेंगे इस टूर्नामेंट की, कल हमें लग रहा था शायद लाइट की प्रॉब्लम होगी, लाइट नाइट मैच खेलते नहीं, लेकिन जैसे जैसे आज का मैच गया है देखने में आया है कि काफी दिक्कत है।
भाई बोलना, एक बॉल पड़ी है अभी, एक बॉल बचे हुए साहब अंपायर, एक बार नोट करें। वन बॉल भी लेफ्ट फॉर लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर, सॉरी। और शानदार शॉट, बढ़िया कोशिश की, छक्का बचाया और शायद निर्देश मिले हैं सब बैट्समैन को। One of the most successful over. Ball over the next delivery coming over the wicket. अरे आतिवारी अब लग किन्हें तो बहुत मारा भाई अंदर वो दूध दर्द दर्द करता है। What a delivery guys! It was unplayable, missed by the keeper as well. That was a beautiful delivery ball. A short put delivery and batsman have no clue about that. Miko? Ball are taking the run up for the next delivery. Oh, that was a wide. Well saved by the keeper, good keeping. Belinder also known for his good finishing skills. A beautiful batsman with lots of shots in his book. Oh, another loss! What a delivery it is! A good mind game is played by the bowler. What a delivery it was! Batsman is still struggling to touch the ball. A good shot. Improvised one, looking at the length of the ball and completely just that. And the ball raced to the boundary. A good shot by Belinder. Another good delivery just for a single. Last
स्कोर आफ्टर 19.5 ओवर्स इज 238 A huge score, just like an Everest, is mounted by Skyhawks. Single to end the inning. It was a good batting by Skyhawks team. Final score after 20 overs is 239. Marong's team needs 240 to win in 20 overs. Shabazz Bali. Shabazz.